चौपट नगरी चौपट राजा। देखिए क्या हालत हो गई है दिल्ली की। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आशा किरण में जहां लगातार मौतों की बात सुनने को आ रही है, वो भी बच्चों की, और वो बच्चे जो कि दिव्यांग हैं, मानसिक रूप से जो विकलांग है, उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे कि 27 बच्चों की मौत हुई है। बेसुध वो पाए गए और एक एक करके उनकी मौतें हुई हैं। और ये पहला वाक्य नहीं है, लगातार पिछले 11 सालों से इन बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही हैं। वहां की हालत इतनी खराब है और सोचिए वो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं। अब दिल्ली सरकार किसको ब्लेम करेगी, किसके सर पर दोष मढ़ेगी, इसके लिए LG साहब जिम्मेदार हैं, इसके साथ MCD कमिश्नर जिम्मेदार है, इसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, कि इसके लिए दिल्ली का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। कैसे मौतें हुई इन बच्चों की, इससे पहले इनके लिए कुछ क्यों नहीं किया गया। मतलब इतनी गलीज किस्म की इतनी राजनीति इनकी हो गई है। और सोचिए इनके जो पार्टनर्स हैं इंडिया अलायंस के, उनको इन बच्चों की फिक्र नहीं है, उनको तानिया श्रेया नेवन की फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली में मर रहे हैं वो बच्चे, इसलिए उन बच्चों की मौत की कोई कीमत नहीं है। क्योंकि अगर दिल्ली पर बोलेंगे तो केजरीवाल जी पर बोलना होगा। उनको वक्त है राजनीति करने का, लेकिन इन बच्चों के लिए बोलने का कोई भी वक्त नहीं है, कोई भी इनके पास अवसर नहीं है। मतलब हाय लगेगी इनको लोगों की, जिस तरह से इनकी ओछी और गंदी और गलीज और क्रूर राजनीति हो रही है दिल्ली में। और सच में ये चौपट नगरी और चौपट राजा वाला हाल है, अपने लिए जो शीश महल बनाता है। और देखिए क्या हालत कर रखी है दिल्ली के लोगों की। मेरी पूरी संवेदनाएं उन बच्चों के परिवारों के साथ जो भी उनको जानते थे। और मुझे लगता है कि अब इस सरकार का बने रहना और अब अरविंद केजरीवाल का CM पद से इस्तीफा देना बहुत ही जरूरी है। अब नहीं देंगे तो कब दोगे भाई, थोड़ी तो शर्म करो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।